गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रोज का पहला लेसन, द एन्चेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 1878 को तथा मृत्यु 1972 को हुई थी। द एन्चेंटेड पूल यानी कि एक जादुई तालाब। तो इस युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सटी एंड थर्स्ट। प्यास से व्याकुल तथा चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचने लगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया या वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डेड ऑफ थर्स्ट। क्या वे मूर्छित हो गए या प्यास के कारण मारे गए हैं। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. इन विचारों से परेशान होकर तथा असहनीय प्यास के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया तथा भाइयों एवं तालाब की तलाश में वे स्वयं ही निकल पड़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild deer and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। युधिष्ठिर भी उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। जंगली भालुओं और चित्तीदार हिरणों तथा बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्ते से होकर वे चलते चलते एक सुंदर घास के मैदान से घिरे हुए तालाब के पास पहुंच गए। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लेकॉल्स अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने भाइयों को जमीन में पड़े हुए देखा तो वह अपना दुख सहन नहीं कर सके और जोर जोर से रोकर चिल्लाकर रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्नेड वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल अवर वोज। युधिष्ठिर शांत और बेजान पड़े हुए अर्जुन और भीम के चेहरे को छूकर विलाप करते हुए कहने लगे, जस्ट व्हेन अवर एक्सिल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे, क्या हमारी सभी प्रतियोगिताओं का यही अंत होना था। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। अब जबकि हमारा अज्ञातवास समाप्त होने ही वाला है, तुमको मुझसे छीन लिया गया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लाइम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो कि बेकार पड़े हुए थे, वह दुखी होकर सोचने लगे कि इतनी शक्तिशाली कौन है जिसने इन्हें मार दिया। देम देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नेड। इसके
बाद युधिष्ठिर भी अपनी अत्यंत तीव्र प्यास को बुझाने के लिए तालाब में उतरे, तभी एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें आवाज़ दी, योर ब्रदर डेड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसलिए हो गई है क्योंकि इन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, तुम भी यदि ऐसा करोगे तुम भी उन्हीं का अनुसरण मत करो, यानी कि इन्होंने ये कहा कि तुम जैसा उन्होंने कहा है वैसा तुम मत करो, मेरे डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू क्विंच योर थर्स्ट, द पूल बिलोंग टू मी, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, यह तालाब मेरा है। ये किसने कहा? ये यक्ष ने कहा। आगे अगला 5 नंबर देखेंगे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मूमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गिव्स्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये शब्द एक यक्ष के अतिरिक्त किसी और के नहीं हो सकते। वे तुरंत समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयज। एक क्षण में ही उन्होंने यह सोच लिया कि किस तरह से वे अपने भाइयों को पुनः जीवित करवा सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा कृपया अपने प्रश्न पूछिए। देयर वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, उसके बाद उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न की बौछार कर दी, यानी कि एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगे। व्हाट रिसीव्स मैन इन डेंजर, पहला क्वेश्चन था किसका? यक्ष का। उन्होंने पूछा व्हाट रिसीव्स मैन इन डेंजर, संकट में मनुष्य को कौन बचाता है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया करेज, यानी कि साहस, साहस ही हमें संकट में बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बीकम वाइज, किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है? युधिष्ठिर ने आंसर दिया नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बीकम वाइज, इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम। इन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सकता, महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान कराता है। फिर अगला क्वेश्चन था द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि हवा से भी तेज क्या है, यानी कि हवा से भी गतिमान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, क्योंकि माइंड बहुत तेजी से चलता है हवा से भी तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी कि सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो उत्तर दिया युधिष्ठिर ने ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। इन्होंने बताया कि जब कोई मनुष्य हृदय से टूटा हुआ होता है तो उससे मुरझाई हुई कोई चीज़ इससे अधिक नहीं हो सकती। व्हाट माय फ्रेंड ए ट्रैवलर, इन्होंने कहा कि यात्री का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लर्निंग ज्ञान, यानी कि ज्ञान हमारे यात्री का साथी होता है। फिर क्वेश्चन पूछा यक्ष ने हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द वाइफ, इन्होंने प्रश्न पूछा था कि घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है?
तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द वाइफ यानी कि पत्नी ही सबसे अच्छी पुरुष की साथी होती है। तो आज के लिए ही हमारा इतना, कल हम इसके आगे आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे।